global advertisers, scaling new heights in outdoor media. जनता का दुश्मन कानून का। आमतौर पर बॉलीवुड की फिल्मों में पुलिस और पब्लिक के रिश्तों पर फोकस नहीं किया जाता है। जब कोई फिल्म इस तरह की बनती है तो उसमें पुलिस का अलग ही रोल पर्दे पर दिखता है, लेकिन अगले शुक्रवार को रिलीज हो रही द पावर ऑफ वर्दी में उन रिश्तों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। एजे फिल्म क्रिएशन के बैनर तले निर्माता अब्दुल जब्बार अंसारी व लेखक निर्देशक सलीम अहमद की इस फिल्म में डॉक्टर अब्दुल जब्बार अंसारी आरोही नंदा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। जैसे रब से मुझे अच्छा लगा और मैसेज वाली फिल्म थी तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगा कि मतलब मैं अगर एक्टिंग कर रहा हूँ तो ऐसी एक्टिंग करने का मुझे मौका मिल रहा है जिससे मैसेज भी जाए। और एक अच्छा करेक्टर, ईमानदार ऑफिसर का करेक्टर था और पुलिस की छवि भी इसमें अच्छी दिखाई गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पब्लिक और पुलिस के बीच का रिलेशन डेवलप करने की कोशिश की है। जो पब्लिक के बीच में एक डर होता है कि पुलिस वालों से वो इंटरेक्ट नहीं हो पाते, या पुलिस का के अंदर जो है वो ये माइंड में रहता है कि सिर्फ सारे ही पुलिस वाले करप्टेड होते हैं, उनका जो एक ओरा बना हुआ है डर का, वो हमने ख़त्म करने की कोशिश की है और एक अच्छा रिलेशन डेवलप करने की कोशिश। मैंने इसमें स्टडी की, इस रोल को समझा अच्छे से। पहले तो सबसे पहली बात ये होती है कि हमने जो स्क्रिप्ट लिखी वही एक सोच समझकर लिखी गई थी। जो प्लेटफॉर्म होता है उसको हमने अच्छे से बनाया और जो समाज के अंदर जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों पे हमें नज़र डालनी चाहिए, उनको हमने कंटेंट बनाया। जैसे कि ये बेसिकली बेस्ड ऑन यूपी, वहाँ पे जो बाहुबली वगैरह लोग होते हैं, नेता होते हैं और ताकतवर लोग होते हैं, वो कैसे पुलिस को का नाजायज़ फ़ायदा अपनी ताकत से उठाते हैं। तो हमने इसके अंदर वो पावर, द पावर ऑफ वर्दी जो रखा है, वो अपील करता है कि वर्दी की ताकत जो है वो सबसे बड़ी है। और हमने दिखाने की कोशिश की कि वर्दी जो है एक पुलिस वाले का ईमान होता है और उसकी पहचान उसकी वर्दी होती है। तो हमने उसके अंदर एक ऐसी डेयरिंग दिखाई है कि वो अगर अपने पे आता है, अपने इंसाफ पे आता है, तो उसके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं होता, चाहे वो फिर नेता हो या कोई विलन हो। तो हमने इसके अंदर यही दिखाने की कोशिश की कि वर्दी जो है वो अपनी खुद की अपनी एक ताकत रखती है। तो इस चीज़ को हमने सोचा, समझा, कंटेंट पे हमने काफ़ी मेहनत की। और इंस्पिरेशन की बात अगर होती है तो बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया है, लेकिन मैंने अक्सर, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने काफ़ी ऑफिसर्स को देखा है, काफ़ी लोगों को देखा है कि वो कैसे काम करते हैं। कई ईमानदार ऑफिसर हमारी नज़र में भी आए हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है, कुर्बानी भी देनी पड़ती है उसके लिए। तो वो एक, मतलब ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ ड्रामेटिकल ही इसके ऊपर वर्क किया हो कि एक फ़िल्म है तो एक फ़िल्म के नज़रिए से बनाए। फिल्म तो है ही एक के लार्जर देन लाइफ होता है, लेकिन उसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं हमने उनको रिसर्च किया और बाकायदा मैसेज के तौर पे हमने इसको लाने की। इतनी अभिनेत्री है वो किसी रीज़न से नहीं आ पाई। और वैसे ये जो फिल्म है, मतलब ड्रामेटिकल भी है और इसके अंदर गाने भी हैं, सब कुछ है, पूरा कंटेंट है। हीरोइन का भी एक वर्क है, अच्छा खासा वर्क है, उसने अच्छा काम किया है फिल्म के अंदर। लेकिन मेन जो चीज़ है वो मतलब मेल ओरिएंटेड और हीरो ओरिएंटेड फिल्म है ये। एक्चुअली उसके बारे में मैंने ज़्यादा नहीं समझा है, बट इतना है कि एज आर्टिस्ट काम किया है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ज़रूर उसके बारे में रिसर्च किया है। बट वही थिंकिंग थी कि हर न्यूज़ रिपोर्टर वाले को कुछ मिर्च मसाला मिलना चाहिए। तो कितने पसंद आई? देखिए, मेरा नाम श्रीराज पंडित है। रही बात फिल्म से जुड़ने की, तो मैं फिल्म लाइन में करीब 15 साल से हूँ। डॉक्टर अब्दुल जब्बार अंसारी जी ये फिल्म बना रहे थे, द पावर ऑफ वर्दी। इन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई ये करेक्टर है हमारी फिल्म में जो नेगेटिव है, आप देख लीजिए। तो मैंने थोड़ी स्क्रिप्ट पढ़ी तो बड़ी जानदार लगी स्क्रिप्ट में, बड़ा दम है स्क्रिप्ट में। अब चूंकि मैं उसी इलाके से बिलोंग करता हूँ जहाँ की स्क्रिप्ट ये डिपेंड करती है, जैसे मेरठ शहर की है, तो मैं मेरठ शहर के पास में ही बिलोंग करता हूँ। तो मैंने ये 2 लाइन इनसे सुनी डॉक्टर साहब ने, और जब मुझे बताइए, उसके बाद थोड़ी स्क्रिप्ट देखी तो मैंने इनको डन कर दिया। मैंने कहा ये फिल्म मैं करूँगा जरूर। और इतना मज़ा आया करने में। देखिए, हालांकि मैं इसमें विलेन कर रहा हूँ, विलेन इससे पहले बहुत सारे आए हैं, आते रहेंगे आगे। मैं इरफान रजा खान और इसमें मैं एक सब इंस्पेक्टर की भूमिका में हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक आम पुलिस वाला जो होता है उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती, उसके सीनियर जैसे होते हैं उसके मुताबिक उसको काम करना पड़ता है, तो वही मैंने इसमें किया है। किरदार एक सजेशन देने वाला, आइडिया देने वाला, एक मतलब एक बहुत ही
ह्यूमर टाइप का करेक्टर है, तो मैं आइडियाज़ देता रहता हूँ पूरी फिल्म में कि ऐसा कर लो, ये हो जाएगा वैसा कर लो। ताने मैं इसमें नेगेटिव DSP का रोल कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर जब्बार अंसारी का शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे इस रोल के लायक समझा। ये बहुत ही अच्छी फिल्म है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब इस फिल्म को देखने ज़रूर। अहमद है और मैं इस फिल्म का पब्लिसिटी डिज़ाइनर हूँ। ये जो कैंपेन आप देख रहे हैं पोस्टर्स एंड ऑल, तो ये मैंने हर काम की एक टाइम लिमिट होती है ना, एक चीज़ होती है कि भाई आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हाँ कुछ अच्छा अचीव हो गया है ना। तो काफ़ी मेहनत उन्होंने करी, काफ़ी एक्सपेरिमेंट करे डिज़ाइन में क्या होना चाहिए, क्योंकि पुलिस फोर्स में बहुत सारी फिल्में आ चुकी हैं पहले जिसमें वो टिपिकल एक अप्रोच रहती है, तो उससे कुछ हटके करना चाह रहे थे हम लोग कि भाई कुछ ऐसा हो कि सिंगल करेक्टर को देखा कि हम और अच्छा क्या कर सकते हैं जिसमें हमारा पूरा सिनेरियो कैप्चर हो जाए, सारी चीज़ें आ जाए। तो दैट वॉज अ थिंग एक्चुअली, सो इट हैज़ कम आउट वेरी वेल, एवरीथिंग डिज़ाइन फिल्म्स एंड एवरी ऑल। आप देखिए बताइए उसको बस। आप मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है और मैं इसमें एक मिनिस्टर का रोल प्ले कर रहा हूँ। मिनिस्टर के सामने इलाके का जो डॉन होता है वो कैसे कैसे पेश आता है और उस डॉन से कैसे निपटा जाए, मैंने ये इसमें सोचा है और ये करने की कोशिश भी की है। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं द पावर ऑफ वर्दी, मैं जो देवराज जी हैं जो बहुत बड़े विलेन हैं, बहुत बड़े शक्तिशाली इंसान हैं जो अपने आगे किसी को नहीं लगाते, उनका राइट हैंड का काम किया, दुनिया का जितना भी बुरा काम होता है सब मुझसे करवाते हैं, लेकिन जब ईमानदारी की बात आती है, शक्ति की बात आती है, उस वक्त वर्दी वाले से हार जाते हैं। यही कहानी है इस फिल्म की और बहुत ही अच्छी कहानी, आप लोग देखें फिर आपको पता चलेगा। और 71-65 वार में मैं वूंड हुआ हूँ, लेकिन 71 में मेरे पांव दोनों टूट गए हैं। अब मैं इस फिल्म के लिए मेरे को ऑफर किए, ये मेरे दामाद हैं और पहली बार पिक्चर के लाइन में मेरे को इन्होंने शामिल किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी फौज के तरीके से इस पुलिस तरीके में थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे आर्मी का रोल अलग होता है, पुलिस का अलग होता है, लेकिन अभी पहचान जा रहा हूँ कि क्या रोल इसमें यहाँ चलता है, बस यही मेरे से। जिसको ऐसे मिला है जैसे